एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता इस वक्त में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कॉम्प्लेक्स में खड़ा हूँ। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। इनका यही कहना है कि जो कल घटना जीएमसी के हॉस्टल में घटी है उसके बाद सभी के सभी स्टूडेंट्स पर जो एक्शन लिया गया है, इनका ये कहना है कि सभी स्टूडेंट्स पर एक्शन ना लिया जाए, जो कसूरवाद है उसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। आई जाने की कोशिश करते हैं ये स्टूडेंट्स क्या कहना चाहते हैं। ट्रिशन ने जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे जो विक्टिम एक साइड से और दूसरे साइड से जिन्होंने असॉल्ट किया है, कल्प्रिट्स जो थे, कॉलेज ने इनको सबको मिलाकर सबको सस्पेंड किया है, सबको रेस्ट्रिकेट किया है। हमारी मांग ये है कि विक्टिम होना कोई जुर्म नहीं है, तो जो विक्टिम थे जिन पर गैंग एजॉल्ट हुआ, जिसकी 12 स्टिच्स हैं, उसको किस बुनियाद पर रेस्ट्रिकेट किया गया, उनको रेस्ट्रिकेट नहीं करना चाहिए। जिनके खिलाफ एविडेंस हैं, अनइक्वोकल एविडेंस हैं, और उन्हीं को सस्पेंड किया जाए, उन्हीं पर एक्शन हो, यही हमारी मांग है। मैटर करते हैं हमारे लिए कोई पर्टिकुलर कास्ट या मैटर, कोई रिलीजन नहीं करता, ये मैटर नहीं करता। हम सोसाइटी को शुरू करने आए, हम वही करना चाहते हैं। हम ये नहीं करना चाहते कि दंगे हो हमारे साथ, हम किसी को तंग करें या हमारे हमको कोई तंग करे। हम चाहते हैं पीसफुली सब ये रिजॉल्व हो जाए और जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा दी जाए और जो विक्टिम है उनको मतलब ऐसे बिना वजह ये रेस्ट्रिकेट ना किया जाए। फिलहाल इन स्टूडेंट्स ने अपनी मांग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी है। अब देखना यह कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनकी मांग पर कितना गौर करता है और उस पर क्या एक्शन, उस पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।